Beginning Navi Mumbai, and now start our actual video. So इसके पहले हमने जस्ट चलाई थी RS 350, और इसकी देखिए तो हैंडलिंग थोड़ी सी और स्मूद है. फुटपेक कंडीशन, फुटपेक का जो स्टेप है वो भी काफी अच्छा है. RS के कंपेरिजन में देखे जाए तो उसका लो एंड टॉक थोड़ा अच्छा है, जबकि RS में आपको हाई एंड और मिड एंड बहुत अच्छा था. इसमें आपको लो एंड काफी अच्छा दिया गया है. ब्रेक, अरे इधर ब्रेक एवढा खास नाही RS सारखा. तो रिव्यू पे शुरुआत करते हैं. सो वेलकम टू वीराज चैनल, एंड टुडे वी आर रिव्यूइंग Hynes CB 350. So, क्या है इसके बारे में, कैसे इसका राइडिंग कम्फर्ट, इसके सस्पेंशन, गियर पोजिशन, गियर कैसे है, बटरी स्मूद है या फिर हार्ड है, डिजिटल डिस्प्ले में क्या क्या आता है, और जो यहाँ पे जो बटन्स वगैरह है उसका क्या कैसे यूज है, इसके अलावा बटन्स के प्रोग्राम कैसे है, और का मिरर विजन कैसे है. तो अभी थोड़ा सा ब्लॉक आया है, तो बिलो जीरो के नीचे भी इसकी हैंडलिंग काफी अच्छी है, मनोवर है, ज्यादा वेट नहीं लगता, जस्ट लाइक रॉयल एनफील्ड. तो वेट के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया है हाइनेस ने, होंडा हाइनेस ने. इसका जो कंसोल है उसमें अगर डिजिटल अगर कंसोल की बात की जाए तो अगर डिजिटल डिस्प्ले वाला पार्ट है वो अगर थोड़ा बड़ा रहता तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन ठीक है, ये भी काफी अच्छा है. इसमें जो भी थीम दी है आपको क्लासिक थीम दी है, आपको मोस्ट ऑफ जगह पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जैसे कि आपको मिरर्स पे, हैंडल बार पे, सस्पेंशन पे, फुट बेस पे, और इंजन काउल पे भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट दी गई है. इसमें तीन दो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं. अभी हम जो चला रहे हैं वो टॉप एंड वेरिएंट है, जिसमें आपको ब्लूटूथ नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल रहेगा इसमें, ये जो आपको डबल करने के लिए जो बटन दिए गए हैं. फिट एंड फिनिशिंग की बात की जाए तो होंडा रेड विंग की कंपेरिजन में बिग विंग में काफी अच्छा काम किया गया है. यहाँ पे कहीं पे भी आपको हैंडलिंग फिट एंड फिनिश में कोई भी कंप्लेंट नहीं रहेगी आपका. RS के कंपेयर में ये देखो तो ये काफी कंफर्टेबल बाइक है. ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम 350cc की बाइक चला रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि इसमें कोई पावर की कमी है, पावर काफी अच्छा है, लेकिन जो हम रोड पे चला रहे हैं वो थोड़ा सा सुटेबल नहीं है हाई एंड हाई स्पीड गाड़ी चलाने के लिए. यहाँ पे आपको ट्रैफिक वगैरह दिख रहा है, इट इज न. मी चाललो ना इथं पण येतो, मी राईड मारून येतो, राईड मारून दगड वाटते, दगड गाडी एक साईडला जाते. तो इसका सस्पेंशन अभी चेक करेंगे. सस्पेंशन पाइप गुड है, बट थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, और गियर शिफ्ट जब करते तो काफ़ी ऐसा अग्रेसिव लगता है. मिरर एंगल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वाइडर बिल्कुल नहीं है, और एक ही साइड से आपको शो करता है. और ब्रेकिंग अच्छा है इसका RS के,
क्लच काफी लाइटर है और गाड़ी का सस्पेंशन अगर मैं बोलूँ तो बाउंसी है, मतलब जैसे झटका करोगे ना तो उतरने के बाद भी उसको थोड़ा सा हल्का सा झटका लगेगा, थोड़े बाउंसी है। जबकि आरएस का थोड़ा स्टिफ है, आरएस का इतना ज़्यादा बाउंसी नहीं लगता और स्मूथली निकल जाता है गाड़ी। हॉर्न में सुनाता हूँ आपको, हॉर्न भी काफ़ी अच्छा, नॉट मच लाउडर और गाड़ी का स्मूथनेस काफ़ी अच्छा है, स्मूथ काफ़ी है। थोड़ा सा लीन होकर चलाना पड़ता है गाड़ी, मतलब थोड़ा आगे झुक के, मतलब आपको अग्रेसिव, मतलब थोड़ा सा क्वाइट भी